आ गए हम लोग अरुणाचल से घर और मैं हूँ अपनी गाड़ी के पास। पूरा गोदाम है भरा पड़ा। ठीक है, ये देखो कोई नदी है और व्यू देखो भाई, बहुत ही प्यारा। मतलब महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु अभी मैं हूँ ईटानगर में, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। पिछले वाली वीडियो हमने शायर की दुकान पेंट कर दिया था, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं नाहरलगन। नहीं, और उसकी गाड़ी पहले मैं बैक करा लेता हूँ, ये गाड़ी, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो आप भी एक दूसरी वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता, मैं जितना दिखाने की आप लोगों को कोशिश करूँ दिखा दूँ। तो पहले इसको बैक कराते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु ईटानगर से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू है, मज़ा ही आ गया। मतलब मैं क्या बोलूँ, ज़्यादा बोल नहीं सकता, मुझे बस मज़ा आ रहा है। इतना पता है अरुणाचल बहुत प्यारा है, लोगों से बहुत कुछ सुना था, ये वो बहुत सारी चीज़ें कि यहाँ के लोग ये खाते हैं वो खाते, बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ की आबादी जो है वो ज़्यादातर क्रिश्चियन है, तो यहाँ पे ज़्यादा पॉर्क खाते हैं, सुअर का मांस। तो ठीक है यार, सबका अपना है, बस आप व्यू का मज़ा लीजिए। देखिए व्यू कितना तगड़ा है, फिर मिलते हैं। तो भाई हम लोग अभी जो ईटानगर से निकले हैं और यहाँ बहुत सी चीज़ें जो मैं आपको बता दूँ मेरे को अच्छी लगी। पहली चीज़, यहाँ पे यूज जो भाषा होती है वो आसामिया यूज़ होती है, और यहाँ की जो पढ़ाई लिखाई है वो इंग्लिश में होती है, और ये देखिए हिंदी में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हाँ, नहरलागुन, और हम लोग नहरलागुन बोल रहा था मैं, नहरलागुन उसका नाम है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता हूँ, माफ़ करिएगा। ठीक है, तो यहाँ की ये सबसे चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि देखो टूरिस्ट पैलेस है और यहाँ पे अगर ये चीज़ें लिखी हैं तो नॉर्मल आदमी पढ़ सकता है। जैसे बंगाल में बंगाली में लिख दिया जाता है, आसाम में अब जो भी भाषा आसामिया है वो शायद उस भाषा में लिख दिया जाता है, बट यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश में ये सबसे अच्छी चीज़ है, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग होता है और दोनों लैंग्वेज में लोग लिखते हैं। ये देखो कोई नदी है और व्यू देखो भाई, बहुत ही प्यारा मतलब लग रहा है। एकदम नदी के किनारे किनारे घर, और फिर उसके बाद ये इसको रेलवे ब्रिज बोलते हैं, बट रेलवे स्टेशन यहाँ कहाँ है पता नहीं है, क्योंकि मेरे को गूगल करना ही पड़ेगा आज लास्ट में कि रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, क्योंकि हम लोग जाएंगे ट्रेन से ही। अब बता देता हूँ, अभी तक से जिन लोगों को लग रहा था कि मैं वापस पिकअप से जाने वाला हूँ, तो नहीं, मैं ट्रेन से जाऊँगा। यहाँ पे गाड़ी सिर्फ डिलीवर्ड करना है, ये गाड़ी जो है महिंद्रा जहाँ मैन्युफैक्चर करती है वहाँ से भैया लोग लाते हैं, और जहाँ पे बिकती हैं हम एजेंसी छोड़ देते हैं। तो ये बस ऐसे ही कहे हमको शिलोंग बोल के और ले चले आए यहाँ। ठीक है, और शिलोंग, पहले शिलोंग से फिर कहाँ हुआ, कहीं तो और हुआ था, फिर जाके नहरलागुन, फिर नहरलागुन, फिर नहरलागुन, नहरलागुन कहाँ कहाँ आ गए पता नहीं। तो गुरु ये जो है नहरलागुन, हम लोग नहरलागुन पहुँच गए, और सामने ये देखिए महिंद्रा एजेंसी है, वही एजेंसी पे जाना है। गोदाम वो पता नहीं है अपने को कहाँ गोदाम है इनका, वो नहीं, बढ़िया एजेंसी है। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं, तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि क्या है। ये है मेरा स्टेट बस टर्मिनल लेखी नहरलागुन। हाँ, ये लेखी विलेज है, देखिए। हाँ, अभी याद आया, लेखी विलेज नहरलागुन, और ये रहा एजेंसी, वो हाँ। तो गुरु अभी जो है हम लोग पहाड़ों के बीच में है, लेखी विलेज पहुँचे थे, जहाँ पे गाड़ी को खाली करना था, मतलब गाड़ी को देना था, सॉरी खाली नहीं करना था। अब यहाँ से मैं कंफ्यूज हूँ, आई एम गेटिंग कंफ्यूज, किधर जाना है, नीचे से ऊपर से, किधर से भी जा सकते हैं, दोनों रास्ता सेम है। और भाई एक चीज़ है, देख रहे हो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, थोड़ा सा भी गड़बड़ा है, बारिश में तो मेरे को लगता है ये पहाड़े जो है वो गिर जाती होंगी मिट्टी सारा। ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और एक मिनट दिखा रहे हैं आपको, हाँ देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और नीचे नीचे उसमें पुल बना रहे, तो ये रास्ता हो सकता है आने टाइम में बंद हो जाए, क्योंकि नदी से रास्ता जो है वो बन जाएगा। जो भैया थे वो पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे तो पता ही नहीं वो। और ये देखिए ये नदी में जो है वो पुल बनाया जा रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं इनके जो गोडाउन है वहाँ पे, मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु फाइनली जो है वो पहुंच गए इनके गोडाउन में, मतलब जहाँ पे इनका पूरा गाड़ी खड़ा होता है वहाँ पे, मतलब इनका वेयर हाउस ही कह लो, ये वेयर हाउस है। यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, और आगे वो भाई खड़े हैं, जैसे जैसे मुझे बताएंगे वैसे वैसे मैं जाऊँगा, क्योंकि पिकअप का साइड इनका दूसरा है। यहाँ पे सिर्फ फोर व्हीलर खड़ी है, XUV 700 400, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक भी खड़ी है, आगे मैंने देखा था XUV 400 है शायद, वो इलेक्ट्रॉनिक है, बट बड़ी प्यारी लग रही थी, तो शायद मैं अगर याद आएगा तो बना लूँगा, नहीं तो भूल गया तो पता नहीं। तो यहाँ से देखिए ये जो है यहाँ पे पिकअप लगी हुई है, भाई लेके जा रहे हैं अपने को, वहाँ पे अपने को पिकअप लगाना है, लगाने के बाद पेपर वेपर जमा करके निकल जाएंगे। जो लोग सोचते थे
कि मैं इस गाड़ी से क्यों आया, क्या आया, तो भाई इस गाड़ी से आने का रीज़न ये था कि ये मुंबई में मैन्युफैक्चर होती हैं, वहाँ से जहाँ जहाँ डीलरशिप होता है वहाँ वहाँ इनको छोड़ना होता है, डिलीवरी करना होता है। तो नंदलाल भैया लोग यही सब करते हैं, उनकी अपनी भी गाड़ियाँ हैं तो डिलीवरी करते हैं, कुछ पैसे वैसे बच जाते हैं, क्योंकि ये लोग ड्राइवर थे पहले से ही। मैं तो डायरेक्ट मालिक बना, उसके बाद ड्राइवर बना, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी से सीखा और बर्बाद किया है। तो फाइनली मैं पहुँच गया जहाँ पर गाड़ी लगाना है वहाँ पर, तो ये लोग वहाँ से लेके आते हैं, छोड़ना रहता है 3000 किलोमीटर के आसपास मुंबई से, जो है ये पूरा इनका सफ़र हो गया है। और ये जमा करके फिर यहाँ से हम लोग ट्रेन से निकलेंगे। यहाँ से अब देखिए कौन सा स्टेशन है क्या है, मैंने टिकट तो पहले से निकाला है नाहरलगुन से, लेकिन देखते हैं कहाँ से पकड़ते हैं ट्रेन, क्योंकि यहाँ पर सुनने में आया है 2 स्टेशन है, तो किससे जाना है अपने को भी नहीं पता है कि किससे जाना है। और भाई साहब इतनी सारी पिकअप हैं, इतने दूर पे भी होके भी इतना पिकअप यहाँ पहाड़ों में बिकती हैं। देखो पूरा पिकअप ही पिकअप, एक लाइन से उधर से लेके इधर तक पूरा सारा एकदम पिकअप लगाया हुआ है एक सेंटर से, और मैंने लगा दी गाड़ी। अब चलते हैं, पेपर वेपर जमा करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो भाई गाड़ी यहाँ डिलीवर कर दिए और ये पूरा गोदाम है भरा पड़ा, ठीक है। और ये महाराज कांड कर दिए, 1200 रुपये इनको भरना पड़ा, क्योंकि इन्होंने मैनुअल बुक जो होती है गाड़ी की वो मैनुअल बुक ही नहीं लाए, ठीक है, जिसकी वजह से इनको 1200 रुपये पे करना पड़ा मैनुअल बुक का। हाँ दो गाड़ी था 2400 रुपये, एक 12 2400 रुपये दिए। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं आगे, पता नहीं कौन सा जगह बताए वो भूल गया मैं भी, तो वहाँ चलेंगे और खाना वाना खाएंगे, फिर देखेंगे क्या है कैसे, फिर निकलते हैं यहाँ इसमें। तो भाई नेहरलागंज जो भी है, नेहरलागुन क्या है, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, घूम टहल लिए भाई। मौसम इधर देख रहे हो एकदम तगड़ा हो रखा है, उधर वो दोनों लोग आ रहे हैं, मैं आगे आगे चल रहा हूँ। यहाँ से अब ऑटो पकड़ेंगे, ऑटो पकड़ के स्टेशन जाएंगे, स्टेशन से फिर बनारस जाएंगे, बनारस क्या यहाँ से स्टेशन जाएंगे, स्टेशन पे खाना वाना खाएंगे, खाना खा के वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी से कल मॉर्निंग में 6 बजे की ट्रेन है, तो वहाँ से 6 बजे की ट्रेन पकड़ेंगे, फिर वो संडे को 2:30 बजे हम लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर छोड़ेगी मुगल सराय। तो देखते हैं कैसा है क्या है, सारा कुछ आपको मिलता रहेगा अपडेट। तो ये मेन रोड है, यहीं पे अपने को टेम्पो मिलेगी, देखते हैं इन पहाड़ों में क्या होता है। तो गुरु मैं स्टेशन पे हूँ, इस स्टेशन का नाम है हारमुटी। मेरा फ़ोन हो गया था बंद और ट्रेन अपनी आ चुकी है, हल्का सा स्टेशन पे लाइट भी नहीं था, लाइट आई है, फ़ोन चार्ज किया हूँ, फिर ट्रेन भी आ गई है। तो ट्रेन में बैठेंगे, सुबह सीधे आपसे अब गुवाहाटी मिलेंगे। पता नहीं है, मैं नंदलाल भैया ये लोग तीनों लोग हैं, तो यहाँ से अब मेरा फ़ोन एक्चुअली रास्ते में हो गया था बंद, जब वहाँ से निकले थे हम लोग नेहरलागंज से, तो फ़ोन बंद हो गया था, उसके बाद कोई भी रिकॉर्डिंग किए नहीं थे, सीधे स्टेशन आ गए। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु ये हम हैं गुवाहाटी में, हारमुटी में हम आपसे मिले थे, उसके बाद जो है मैं अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं गुवाहाटी में हूँ। ये है गुवाहाटी स्टेशन, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं वाराणसी के लिए, तो मिलते हैं आगे। तो गुरु जब हम बढ़े थे गुवाहाटी से आगे, ये हाईवे है, अब मेरे को मैप में देखना पड़ेगा कौन सा हाईवे है क्या है, मस्त व्यू था बस इसलिए शूट कर लिया और आपको दिखा दिया। तो गुरु दोपहर के 2 बज गए हैं, 1 बज रहा, और अपना ये ट्रेन में खाना हमने मंगाया था, ये इंडियन रेलवे का खाना है जो कैंटीन से मिलता है, तो खाते हैं। तो गुवाहाटी के बाद अभी हम लोग पहुँच गए थे किशनगंज रेलवे स्टेशन पर, और ये भीड़ देखिए, मतलब पूरी ट्रेन खाली थी जब हम लोग आए थे गुवाहाटी से, पूरा एकदम मस्त बैठ के आए थे, और अभी पूरा देखिए भीड़ एकदम पूरा भरा है, मतलब अगर किसी को टॉयलेट लग जाए ना तो टॉयलेट भी नहीं जा सकता है, इतना भरा पड़ा है ट्रेन। पर खैर क्या ही कर सकते हैं, तो अब यहाँ से चलेंगे तो आपसे मिलेंगे हम लोग, रास्ते में अगर कहीं खाली मिला तो रिकॉर्ड करूँगा, नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ट्रेन में ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही है, इतना सारा आवाज़ नॉइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ट्रेन से क्या ही मैं ब्लॉगिंग कर लूँगा यार ट्रेन में, ठीक है। तो अभी यहाँ से डायरेक्ट आप सभी से मिलेंगे अब हम लोग मुगल सराय, या तो फिर पटना वटना कहीं रुके तो मिलते हैं आगे। तो गुरु रात के बज रहे हैं 10:30 और हम लोग बरौनी क्रॉस करके मैं पहुंचने वाला हूँ पाटलिपुत्र, और यहाँ पे देखिए आर्मी वाले जो थे ये सिर्फ़ और सिर्फ इंस्टाग्राम रील और इंटरनेट पे लोग आर्मी वालों की इज्जत करते हैं, रियल लाइफ में कोई नहीं करता। इस ट्रेन के 12 घंटे के सफ़र में मैंने देखा इस भीड़ में, ये भीड़ जो है बिहार में टीचर का एग्ज़ाम चल रहा है जिसकी वजह से है, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुरु महादेव। तो आ गए हम लोग अरुणाचल से घर, और मैं हूँ अपनी गाड़ी के पास, ये रही मेरी गाड़ी, और इसमें काम वाम है, थोड़ा काम वाम कराने चलेंगे, क्योंकि ये किसका नीचे का ये टूट गया है, ये देखिए बैलेंसिंग राड से कुछ आता है, ये टूट गया, इसको बनवाना है और डाला वाला थोड़ा काम कराना है। तो पहले गाड़ी में चलते हैं फिर बात करते हैं आप सभी से। ये है देखिए गाड़ी का कुछ कंडीशन, चुंडिया
क्या बोलूँ इसको, अरे जूता भी इसी में रखा है, तो इसको पहले मैं झाड़ देता हूँ यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो हो गया है। ए पलट के देख रहे हो, ये देखो तो गुरु देखिए अभी हम तो आए घर पे, और अरुणाचल से आने के बाद अभी सुबह आया हूँ मैं, गाड़ी का काम वाम कराना है अपना, बता ही दिया आपको, दिखा दिया। तो अरुणाचल का पूरा जो सीन है, कैसे गए कैसे आए, गाड़ी खाली करने के बाद देखिए ब्लॉग तो मैं बनाया नहीं, क्योंकि वहाँ से मेरा फ़ोन हो गया बंद। बंद होने के बाद मैं पहुँचा हारमोटी स्टेशन। हारमोटी से हम लोग आए सुबह 6 बजे गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी से हम बैठे और फिर सुबह 6 बजे मैं आया हूँ घर। तो ये प्रोसेस था, गए थे गाड़ी से और आए ट्रेन से, क्योंकि वो गाड़ियाँ जो है वो मैन्युफैक्चर होती है मुंबई में, ये लोग मुंबई से लेके आते हैं और एजेंसी डिलीवर करते हैं, वही गाड़ी थी। और इसमें जो है मैं आपको बता दूँ, जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि टैक्स कैसे कटता है, टोल का क्या सिस्टम है बिना नंबर वाली गाड़ियों का, सारा कुछ तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा इसका, कि टैक्स कैसे कटता है और क्या है, कैसे क्या क्या होता है, सारा कुछ मैं आपको बता दूँगा अगले वाली वीडियो में, क्योंकि वो पूरा सेपरेट वीडियो होगी जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि नई गाड़ियों का क्या सिस्टम होता है, कैसे टैक्स कटता है, गाड़ियाँ स्टेट कैसे क्रॉस होती हैं, उनके टैक्स का क्या सिस्टम है, उनको लोग परेशान करते हैं क्या होता है, वो सारा कुछ मैं तो आपको रोड और सड़कें सारा चीज़ यही दिखाया कि कैसे कैसे वहाँ जाने का सिस्टम है पूरा। मतलब हम लोग बनारस से चले ताजपुर गया, या बीच रात को रहा, तो मैं रात को ज़्यादातर कवर करने की कोशिश नहीं करता कि रात को क्या ही कवर करें, तो रात में कवर किए नहीं। फिर ताजपुर से मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, फिर डालखोला पहुँचते हैं, इस्लामपुर पहला स्टॉप होता है मेरा, दूसरा स्टॉप जो है वो हासीमारा में ख़त्म करता हूँ, तीसरे दिन हम रुकते हैं जाके, मतलब सेकेंड डे ही सेम डे में 2 ब्लॉग हो जाता है, फिर मैं जाके रुकता हूँ कहाँ पे, गुवाहाटी से पहले वहाँ रुकता हूँ, फिर वहाँ से मैं पहुँचता हूँ तेजपुर, जहाँ एक वीडियो और एंड कर देता हूँ। तेजपुर के बाद सीधा हम पहुँच जाते हैं ईटानगर, ईटानगर में फिर एक वीडियो एंड करते हैं, फिर उसके बाद पहुँच जाते हैं हम जो भी है नाहरलगुन, नेहरलागुन होता है, नेहरलागुन पहुंच जाते हैं, वहां से फिर हम पहुंचते हैं हारमोटी जंक्शन, फिर ये वीडियो आती है। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।